हेलो बच्चों, आ गया हूँ मैं टेपरेंट क्लासेस से एक नया टॉपिक लेके 2 का। तो मैं सौरभ सर, आइए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक 2 के साथ। तो कोई भी काम जब हमें करना है, जब भी कोई काम हम करते हैं, जैसे किसी भी काम के साथ लास्ट में जब ना आता है तो उसके लिए हम 2 का यूज करते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मुझे लिखना है, मुझे बोलना है, कोई भी काम जो अगला आपका काम है, मुझे यार स्कूल जाना है, मुझे लिखना है, हमें पैसे कमाने हैं, तो मुझे समझना है, मुझे खाना खाना है, इसके बाद मुझे खाना खाना है, उनको लिखना है, आपको स्कूल जाना है, उनको पैसे कलेक्ट करने हैं, उन्हें क्लास लेनी है, मुझे मीटिंग लेनी है, तो कोई भी आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, 2 का यूज होता है। तो मुझे बोलना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, मुझे डिस्कस करना है, हमें शामिल होना है, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। तो जो भी काम आपको करना है नेक्स्ट, उसके लिए हम 2 का यूज करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बताइए, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई वी यू दे और ही शी नेम, तो ये सभी चीजें आठ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई के साथ क्या आता है, एम, वी के और यू दे के साथ आर, ही शी नेम के साथ इज। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम सब, और यू मीन्स आप सामने वाला, दे मीन्स वो लोग, लेकिन उसमें हम शामिल नहीं होंगे, मैं शामिल नहीं होंगे, और वी में हम सब, और उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, वो लोग, कई सारे लोग। और ही शी वही लड़का और लड़की, वह, और इट नॉन लिविंग फोन, कैमरा, चार्जर, पंखा, मार्कर, लाइक, और नेम हमारा नाम, जैसे आपका नाम रोहन, मेरा नाम सौरभ, और माय क्लास का नाम टैपरिन क्लासेस। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, मुझे लिखना है, मुझे बोलना है, आई एम टू स्पीक, आम टू गो, मुझे जाना है, यू आर टू लर्न, आपको सीखना है, फिर आपको बोलना है, यू आर टू स्पीक, यू आर टू लर्न, वी आर टू एंजॉय द होली, अभी होली आने वाली है तो हमें होली एंजॉय करनी है, तो वी आर टू एंजॉय द होली, और हमें खेलनी है, वी आर टू प्ले द होली, दे आर टू डोनेट द ब्लड, उनको ब्लड डोनेट करना है, दे आर टू डोनेट द ब्लड, They are to donate the blood. He is to subscribe the channel. उसको चैनल सब्सक्राइब करना है. He is to subscribe the channel. उसको चैनल सब्सक्राइब करना है. आपको भी चैनल सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए. You are to subscribe the channel. She is to attend the meeting. उसको मीटिंग अटेंड करनी है. She is to attend the meeting. India is to win the World Cup. India को वर्ल्ड कप जीतना है, इंडिया इज टू विन द वर्ल्ड कप, तो मैच वर्ल्ड कप आने वाला है जो इंडिया में, तो इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है, तो इंडिया इज टू विन द वर्ल्ड कप, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, यू आर टू डू प्रैक्टिस। तो जो भी काम आपको करना है उसके लिए हम 2 का यूज करते हैं, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं उससे बाद। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हिंदी में हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लगा के आगे, तो जैसे क्या आपको जाना है, क्या आपको शादी अटेंड करनी है, क्या आपको पैसे खर्च करने हैं, नहीं नहीं पैसे कोई खर्चेंगे, सबको कमाने हैं, क्या आपको पैसे कमाने हैं, क्या आपको डांस करना है, क्या आपको कपड़े खरीदने हैं, तो कोई भी काम जब आपको करना है उसके लिए जैसे कोई पूछता है तो क्या हिंदी में हम लगाते हैं, इंग्लिश में हम ये जो आपने जैसे देखा आई के साथ एम, वी यू दी के साथ आर, और ही शी नेम के साथ इज, तो ये हम आगे लगा देंगे। हिंदी में हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश में हम एम आर इज एम आर हम आगे लगाएंगे। तो हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आर यू टू परचेज द बैग, क्या आपको बैग खरीदना है, क्या आपको बैग खरीदना है, तो क्वेश्चन के आंसर दो ही होते हैं, या तो हाँ होता है या ना होता है। तो हम वैसे देखते हैं, यस आई एम टू परचेज बैग, मुझे बैग खरीदना है, आई एम टू परचेज द बैग, नहीं खरीदा तो नो आई एम नॉट टू परचेज द बैग, मुझे नहीं खरीदना भाई बैग, आई एम नॉट टू परचेज द बैग, मुझे बैग नहीं खरीदना, आई एम नॉट टू परचेज द बैग। इज शी टू मिक्स द वेजिटेबल, क्या उसको सब्जी मिक्स करनी है, इज शी टू मिक्स द वेजिटेबल, No, she is not to mix that vegetable. Is lion to hunt the deer? क्या शेर को हिरन का शिकार करना है? Is lion to hunt the deer? Am I to
स्माइल, क्या मुझे स्माइल करनी है? यस आई एम टू स्माइल. इज दादाजी टू रीड द न्यूज़पेपर, क्या दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ना है? यस दादाजी टू रीड द न्यूज़पेपर. मुझे क्वेश्चन पूछना है. आई एम टू आज द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन पूछना है. क्या आपको टॉपिक पढ़ाना है? आर यू टू टीच द टॉपिक. क्या आपको पैसे कलेक्ट करने हैं? क्या आपको दिल्ली जाना है? क्या आपको टिकट बुक करनी है? आर यू टू बुक द टिकट. क्या उसको खेलना है? इज ही टू प्ले, इज ही टू प्ले. क्या आपको सोचना है? आर यू टू थिंक, आर यू टू थिंक. क्या आपको समझना है? आर यू टू अंडरस्टैंड. नहीं, आई एम नॉट टू अंडरस्टैंड. मुझे सोचना नहीं है, आई एम नॉट टू थिंक. मुझे कपड़े नहीं खरीदना, आई एम नॉट टू बाय द क्लोथ. मुझे मैच नहीं देखना, आई एम नॉट टू वॉच द मैच. उनको देखना नहीं है, दे आर नॉट टू सी, दे आर नॉट टू सी. उनको पैसे जमा करने, दे आर टू डिपॉजिट द मनी. उनको बैंक जाना है, दे आर टू गो टू बैंक. मुझे नहीं जाना, आई एम नॉट टू गो टू द बैंक. मुझे सोचना नहीं, आई एम नॉट टू थिंक. उसको सब्जी लानी है, शी इज टू ब्रिंग द वेजिटेबल. तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं वोकैब्स के साथ, वोकैब्स की प्रैक्टिस करेंगे. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आगे बढ़ते हैं हम वोकैब्स के साथ. तो वोकैब देखते हैं. टेक द मनी, टेक द मनी. जैसे हम अपने पापा से पैसे लेते हैं या आप अपने भैया से, तो टेक द मनी. तो मुझे पैसे लेने हैं, आई एम टू टेक द मनी टू फादर. मुझे पापा से पैसे लेने हैं, आई एम टू टेक द मनी. क्या आपको पैसे लेने? आर यू टू टेक द मनी. नहीं, मुझे नहीं लेना, आई एम नॉट टू टेक द मनी. गो टू रेलवे स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है यार, मुझे दिल्ली जाना है बुआ जी के यहाँ, तो वहाँ ट्रेन से जाना है. तो आई एम टू गो टू रेलवे स्टेशन. क्या आपको जाना है? आर यू टू गो टू रेलवे स्टेशन. क्या आपको टिकट खरीदनी है? आर यू टू बाय द टिकट. से सॉरी टू मम्मी, भाई मम्मी को सॉरी बोलना. क्या आपको मम्मी को सॉरी बोलना? आर यू टू से सॉरी टू मम्मी. नहीं, आई एम नॉट टू से सॉरी टू मम्मी. सॉरी बोलना है यार, फिर कैसे मानेंगे मम्मी? आई एम टू से सॉरी टू मम्मी. आगे बढ़ते हैं. कट द ग्रास, घास काटना. भाई गार्डन में घास बहुत भर जाती है, तो उनको काटना है, मेरा टास्क है जी. आई एम टू कट द ग्रास. क्या आपको भी काटनी है? आर यू टू कट द ग्रास. आर यू टू कट द ग्रास. उनको काटनी है, दे आर टू कट द ग्रास. गिव द एग्जाम, आजकल एग्जाम चल रहे हैं स्कूल्स में, तो बच्चों को एग्जाम देने हैं. स्टूडेंट्स आर टू गिव द एग्जाम, स्टूडेंट्स को एग्जाम देने हैं, उनको एग्जाम क्रैक करने हैं. एग्जाम स्टूडेंट्स आर टू क्रैक द एग्जाम. ओ आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका. बाकी आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. बाकी आप मेरी पिछली भी टॉपिक्स में जैसे फॉन्ड ऑफ, इज एम आर, और डू डज, और हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो भी पिछली कंडीशंस हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर लीजिए और व्यू कर लीजिए. उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और स्माइल करते रहिए. आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ. बाय बाय, कीप स्माइलिंग.